गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सातवीं कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय भाषा और व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि, बोली और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में रहने वाले जो प्रत्येक मनुष्य है उसको अपने विचारों को दूसरों को अवगत करवाना पड़ता है और दूसरे के विचारों को समझना पड़ता है, और इसके लिए वह कोई ना कोई माध्यम जरूर उपयोग में लाता है। चाहे इसके लिए वह अपनी बातों को बोलकर बताता हो या लिखकर बताता हो या वो दूसरे की बातों को सुनता हो या फिर पढ़ता हो, और यही बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ही भाषा कहलाता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दूसरे चित्र में हमने देखा कि बच्चा कुछ लिख रहा है, तो यहाँ पर भाषा का बोलना और लिखना रूप प्रकट किए जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें भाषा की एक ये ऐसी परिभाषा प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम भाषा की परिभाषा को कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को हम सुनकर या पढ़कर प्रकट समझ पाते हैं। भाषा जो है वह हिंदी संस्कृत भाषा की भाष धातु से निकला है जिसका अर्थ है अपने मुख से कुछ प्रकट करना। तो हम अपनी जो विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए ही भाषा का माध्यम अपनाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के मुख्य रूप से दो रूप माने जाते हैं। प्रथम रूप है मौखिक भाषा, दूसरा रूप है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जो मुख से बोली जाती है और कानों के द्वारा सुनी जाती है, जिसमें हम अपनी बात बोल करके दूसरों के कानों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को सुन करके समझ पाते हैं, और भाषा का यही रूप मौखिक रूप कहलाता है। जब कोई भी विद्यार्थी, दो विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हो या आपकी दादी आपको कहानी सुनाती हो और आप उनको जवाब दे रहे हो, तो यह भाषा का मौखिक रूप माना जाता है। जिस भाषा के माध्यम से बातचीत करके हम अपने विचार प्रकट कर पाते हैं वही मौखिक भाषा होती है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा का लिखित रूप जो है वो स्थायी माना जाता है। कई बार मुख से निकली जो ध्वनियां हैं उनको हम लिपिबद्ध कर देते हैं, अर्थात लिख करके प्रकट करते हैं, और लिखे गए विचारों को ही भाषा के लिखित रूप में शामिल किया जाता है। जब हम जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को लिख कर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझने के लिए हम दूसरे के लिखे विचारों को पढ़ते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। इस प्रकार लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा का लिखना और पढ़ना शामिल किया जाता है। हमने मान लीजिए किसी को पत्र लिखा या फिर हमने व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज किया, मैसेज लिखा, तो उसको भाषा का लिखित रूप माना जाता है। संसार में बहुत सारी भाषाएं होती हैं। उन बहुत सारी भाषाओं में हमारी भारत की जो हिंदी भाषा है वह शामिल है, संस्कृत भाषा है वह शामिल है, और इसके अतिरिक्त ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं का जो जिक्र किया जाता है, ये विदेशी भाषाएं मानी जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, इसमें से असमिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी आदि शामिल की गई है। आशा है कि आपको भाषा और भाषा के भेद समझ में आए होंगे। धन्यवाद।